नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था की पहली क्लास है। काफी समय से विद्यार्थी बहुत इंतजार कर रहे थे और लगातार कमेंट मेल वगैरह आते थे कि सर आपने राजस्थान का जीके अच्छा करवा दिया, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल विश्व के अच्छे करवा दिए, इंडिया के भी हो गए, लेकिन पॉलिटिकल में हमारी बकरी डब्बे में ही है अभी तक। तो इसे बाहर निकाला जाए और इसे करवाया जाए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पहली क्लास से ही आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल की क्लासेस आपको कैसे मिलने वाली है, और लगभग 10 से 12 क्लासेस मैं इस क्रैश कोर्स में दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी करवा दूंगा। इसके अलावा साथियों जो वन लाइनर आपको दी गई है, जैसे आज पॉलिटिकल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉलिटिकल का वॉल्यूम है बीच वाले, तो 100 पेज के अंदर पॉलिटिकल, इसके अंदर पूरी जो चीज इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास के बाद आप देख लेना, इसका आकलन कर लेना, आपको लग जाएगा। और इसके बाद अभ्यास कहीं से भी प्रश्न देखो, फिर देखो पता चलेगा कि इसकी गुणवत्ता क्या है। इसके अलावा ये दो जो हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की है, तो अभी भी आपके पास में 15 से 16 दिन है विद्यार्थियों। और मतलब ये जो वन लाइनर इस तरीके से दी गई है आपको, कि काफी सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए हैं कि सर 50% तक हमने पढ़ ली है और बड़ा आनंद आ रहा है। तो मतलब मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि कोई प्रयास जो किया गया है विद्यार्थियों के लिए, वो विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया जा रहा है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ये सब करने को। बाकी ये इस भ्रम में भी मत रहना कि समय बहुत पड़ा है, वहम यही बड़ा है, ठीक है। जब अहम और वहम दो चीजें बढ़ जाती है तो हम मतलब बैकफुट पे तो जाते ही, हम जो चीज समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे साथियों ध्यान देना, टेस्ट सीरीज जो दे रखी है वो भी काफी सारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं निरंतर, और ये समय ऐसा है कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी एक साथ अभ्यास करते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य का परिचय देके उचित नेटवर्क रेंज में प्रयास करें। बाकी आज की जो क्लास है साथियों, उसके अंदर ही अंतिम स्लाइड में मैंने आपके लिए एक साथ सारे मेंशन करवा दिए हैं कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप पर, ताकि विद्यार्थियों को मतलब कहीं कोई परेशानी ना हो, देख सके आराम से कि अभी इनका जो लागत मूल्य के अंदर ही दी गई है लेकिन इनका मूल्य क्या है, बाकी आप टेस्ट कितने हैं, क्या है, सारी चीज इसके अंदर जाके देखें। जिन्हें ज्वाइन करने का प्रोसेस नहीं पता है या पेमेंट का प्रोसेस नहीं पता है, तो सबसे पहली कोशिश अपने आसपास से हेल्प लें, अपने आसपास से मदद लेके करें। जब कोई तकनीकी समस्या ही आती है तब टेक्निकल टीम को व्हाट्सएप करें, ठीक है, नंबर जो है आपके ऐप में ही दे रखे हैं। बाकी जो है धैर्य के साथ रखें, क्योंकि बहुत सारे हजारों विद्यार्थी टेस्ट में अभ्यास कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के जरिए। तो एक तो उचित नेटवर्क रैम, मोबाइल में फ्री रैम का स्पेस देखते हुए लाइब्रेरी वगैरह में नेटवर्क कम पकड़ता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करें, आपके लिए बेहतर साबित होगी। जो विद्यार्थियों ने खुद बताया है लैब असिस्टेंट वगैरह सबके अंदर, और आने वाले एग्जाम में भी ये अपनी गुणवत्ता साबित कर देगी, ठीक है। तो देखो प्रयास जो कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, घोड़े को पानी के पास तक ले जाया जा सकता है, पानी जबरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता, ठीक है, तत्परता का नियम आपने पढ़ा ही है। तो प्रयास जो किए हैं वो बता सकते हैं, उन लोगों के लिए किए जो, क्योंकि अभ्यास आज की तारीख में यदि देखोगे ना तो 40% भूमिका रखता है, लेकिन कई लोग मन महसूस के रह जाते थे कि सर हजारों हजारों रुपयों की टेस्ट सीरीज होती है, हम कैसे ज्वाइन करें। तो इसी कारण जो है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज दी गई है। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है, कुछ है पता नहीं वो विद्यार्थी है भी या नहीं, उन्हें ये लगता है कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, मेरे पास एक मेल आया, सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, आप मतलब आपके पढ़ाते ही हमें समझ में भी आ जाता है, ठीक है, नियमितता आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप तो प्रचार करने लग गए। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, मेरी लिखी हुई पुस्तक, ठीक है, मेरी प्रयास किए हुए ये जो टेस्ट सीरीज या जो भी है, और वो मैं यदि विद्यार्थियों को नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, बताओ। मैं किसी और का तो बता नहीं रहा हूं कि भैया ये उनका है आप इन्हें ले लो, या ये है, ये टी शर्ट है देखो मैंने पहन रखा है, मतलब आप लोगों के लिए किया गया प्रयास है, मेरे नजर में ये प्रयास है, आपका नजरिया क्या कहे वो कहा नहीं जा सकता। बाकी ऐसा है कि प्रचार या कमाना या ये सब जो मानसिकता अपनी अपनी होती है, यदि आप सभी जानते हो कि ये जो क्लासेस नियमितता के साथ और जितनी गुणवत्ता के साथ दी है, यही मैं शुल्क रख के दे देता, मेहनत तो यूं की हुआ है, शुल्क रख के भी तो दे सकता था ना, मुझे कौन कहने वाला था ये बताइए, शुल्क रख के भी दे सकता था, तो लगभग 2 लाख पौने 2 लाख सब्सक्राइबर में से 20,000 25,000 30,000 कोर्स बेच सकता था आराम से। तो ये इतनी बेजमारी 50-50 रुपए की टेस्ट सीरीज देके, इसमें कोई वो थोड़ी है, थोड़ा तो दिमाग खुद का भी लगा लिया करो, हर बार कोई दूसरा कहता है उसकी बातों में आते हो तो खुद की कब सोचोगे, दूसरे ही मजे लेंगे आपके फिर, ठीक है। चलिए साथियों
क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को समझ लिया तो समझो, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है ना। और एक एक क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, लेकिन बाद में देख लेना इसको समझ के बढ़िया तरीके से। और जिनके पास में वन लाइनर है उनको तो इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास में आप तो सिर्फ पढ़ते समय उसको पास रख लेना, ताकि जो भी आपके उसके अंदर लगे कुछ तो वो देख लेना, ठीक है। और बाकी जो है वो नोट्स बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, मैं कहीं कोई चीज रोकने वाला नहीं हूं, सभी ऐसे कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो सर चलिए साथियों शुरू करते हैं, आज संविधान बनाना है तो विधिवत तरीके से शुरू करते हैं। संविधान, संविधान जो है साथियों क्या है, एक मतलब नियमों की एक पुस्तक है। क्या है? नियमों की एक पुस्तक। भाई इतना बड़ा देश चलाना है तो कुछ नियम तो होने चाहिए कि भैया ऐसे होगा वैसे होगा। कई तो घरों में भी नियम होते हैं कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, ये चीज करनी है वो, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए लिखित में, ठीक है ना। तो नियम चाहिए लिखित में, ठीक है। अब नियम चाहिए तो इस ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ भारत में ही नियमों की या संविधान की मांग नहीं हुई है, अपन भारत में रहते तो अपन देखते भारत को है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे पहली जो मांग की गई ना संविधान सभा, जो विचार रखा गया वो समानतावादी हेनरी मैन ने रखा था। किसने रखा था? हेनरी मैन, जो कहां के थे? ब्रिटेन के थे। हेनरी मैन ने रखा जो ब्रिटेन के थे, लेकिन ये थे तो ब्रिटेन के, लेकिन इसको सबसे पहले अपनाया है फ्रांस और अमेरिका ने। फ्रांस और अमेरिका द्वारा क्या किया? अपनाया, ठीक है, अपनाया फ्रांस और अमेरिका ने, ये ध्यान रखना। अब संविधान की यहाँ पे अब सबसे पहले अपने भारत में साथियों यदि कहीं मांग की गई है ना, तो संविधान की देखो, भारत में संविधान सभा की, अब संविधान सभा यहाँ शब्द आया है संविधान सभा, संविधान अलग है और संविधान सभा अलग है। संविधान सभा क्या है? इतना बड़ा संविधान बनाना है तो कुछ ना कुछ तो मतलब एक कमेटी चाहिए, एक अपने तो मतलब कोई, जैसे मान लो कि कहीं भंडारा ही कोई करना है तो उसमें भी अपने को ग्रुप बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां देनी पड़ती है। ये इतना बड़ा संविधान है पूरे देश का संविधान, तो एक संविधान सभा बनेगी जो इनके सबके नियमों को निश्चित करेगी। जैसे देखो कि आप तो कमेटियां भी कितनी बन गई थी, 17 कमेटियां बन गई, 16 बैठकें हो गई, 12 अधिवेशन हो गए, ये सारी चीजें इतनी हुई है, प्रारूप समिति वगैरह सब, ये सब इतने चीजें हुई है। तो ये संविधान सभा के जो निर्माण की बात हुई कि पहले एक संविधान सभा बनेगी वो निर्धारित करेगी कि संविधान कैसे बनेगा। तो संविधान सभा की जो सबसे पहली साथियों मांग की गई वो स्वराज पार्टी द्वारा की गई 1924 में। ये जो फैक्ट है एक बीच में आया है, इसको मैं अलग पेन से मेंशन कर देता हूं। ये जो फैक्ट है ना, ये एम एन रॉय ने है ना सबसे पहली औपचारिक मांग की थी, ठीक है, औपचारिक सबसे पहली मांग, औपचारिक मांग करने वाले एम एन रॉय है। और यहां पर ना एम एन रॉय की जगह आप क्या लिखेंगे? मोतीलाल नेहरू, एम एल नेहरू। वापस से समझना इस चीज को, इस लाइन को ऐसे लिखना आपको, भारत में संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी द्वारा की गई 1924 में, और 1924 में जो मांग की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। फिर नीचे लिखना कि संविधान सभा की औपचारिक मांग जो सबसे पहले की गई वो एम एन राय द्वारा की गई औपचारिक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मेरे दो ये दो फैक्ट है ना यहाँ पे मिक्स आ गए ये, तो यहाँ पे जो भी मतलब गलती जैसे देखो जहां भी होगी मैं हाथों हाथ बता दूंगा आपको। जैसे अब जैसे कोई विद्यार्थी वन लाइनर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी, तो उन्हें भी चिंता करने की एक आवश्यकता नहीं है कि मान लो टंकन दोष कहीं भी रह गया है तो मैं 15 तारीख के आसपास, यानी 15 तारीख को ही समझो आप, टेलीग्राम पे तीनों वन लाइनर की एक पीडीएफ डालूंगा जो संशोधन, जहां जहां टंकन मिस्टेक होगी मैं प्रूफ रीडिंग एक बार फिर से करवा रहा हूं, दो बार हालांकि कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से कि कहीं कोई टंकन दोष फिर भी रहा है तो उसे देख कर सही करवा दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है करवाना, ठीक है, निश्चिंत रहें। टेलीग्राम पे आपको नियत समय पे मिल जाएगी वो, हालांकि कोई ज्यादा नहीं है, दो चार कोई यदि होगी तो मैं बता दूंगा उसमें भी, आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं करनी है। तो ये साथियों ध्यान रखना, आप देखो इतना बड़ा संविधान है इसमें भी गलतियां रही, आरबीएससी की किताबों में बता दूंगा आपको टंकन दोष, ऑथेंटिक किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब के पीछे एक पेज आता है संशोधन का, तो अपने भी करवा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि मशीनी टंकन मानवीय भूल ये चलती है, कहीं भी कोई 100% शुद्धता वाली किताब नहीं आई। जब संविधान नहीं बन सका संशोधन होते हैं इसमें भी देखो, तो ये है, ठीक है साथियों। हालांकि कोई संविधान में दोष नहीं दे रहा हूं भाई, कई जने क्या है कि बातों को उल्टा ले लेते हैं, मतलब एक समझाने का तरीका बता रहा हूं, इसमें कोई दोष नहीं है वैसे, ठीक है ना, संविधान बहुत पूज्य है, पूजनीय है। चलिए
भारतीयों द्वारा जो साथियों संविधान निर्माण का पहला प्रयास किया गया वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में किया गया जो 1928। अब सुनो अपर भारत में है ना एक खासियत है कि अपन ने मैनी देवानी तो वो मतलब काम नहीं कर सके, वो भी काम कर देवे। मैनी मतलब समझो हिंदी वाले जो हिंदी भाषी है वो नहीं समझ रहे, किसी को ताना मारते हैं ना तो ताना मारते तब जो काम नहीं हो रहा होता है वो भी हम डंके की चोट पे करते हैं। तो लॉर्ड बर्कनहेड था अंग्रेज अधिकारी, उसने साइमन कमीशन जब भारत आया ना तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारे लगा रहे थे भारतीय सभी। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने इनको ताना मारा कि तुम्हारी यदि औकात है तो तुम खुद संविधान बना दो, एक बता दो कि बना सकते हो, देश को चला सकते हो कि नहीं। और मोतीलाल जी नेहरू खोपड़ी छटकी, अरे तेरी मैया की सासू मैया हमको चैलेंज देता है। अब भी फिर क्या किया कि 10 सदस्य की एक कमेटी बनाई, 10 सदस्य एक समिति बनाई गई और 10 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई जो भारतीय संविधान निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है, ठीक है ना। तो ये ताने आपको भी कई सारे मिले होंगे, इन तानों को ताकत बनानी है, मैंने पहले कह रखा है, चाहे पड़ोसी ने दिए हैं, चाहे रिश्तेदार ने दिए हैं, चाहे फलाण जी दिया, चाहे डिकण जी दिया, कोई भी दिया है, तानों को ताकत बनानी है, ठीक है ना। मैनी तो आनी चाहिए, तभी तो अपने पढ़ने का मतलब सक्सेस होना है, तो उसके लिए ये भी एक फैक्टर जरूरी है। आज मैं आपके सामने क्लास नहीं ले रहा होता, आज मैं सरकारी नौकरी में ही नहीं होता, यदि किसी ने मुझे ताना नहीं मारा होता तो मैं फादर का बिजनेस चला रहा होता, ग्रेनाइट का, मैं भी। तो ये जरूरी है, लेकिन इनको कैसे आप फेस करते हो वो आपके ऊपर है। चलिए ये 1928 में रिपोर्ट यहाँ पेश हो गई, मैं आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आगे ले जा रहा हूं। इसके बाद में आपके आता है साथियों क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का टाइम है 1942। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे संविधान निर्माण में कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में आया है। कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं इसमें क्रिप्स मिशन में और कैबिनेट मिशन में, क्योंकि स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है वो कैबिनेट मिशन का भी सदस्य था, तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे साथियों ध्यान ये रखना है कि समझना ऐसे जिनके कंफ्यूजन होता है कि क्रिप्स में देखो शब्द कितने हैं, ढाई शब्द है, ठीक है ना, ढाई है, आधा आधा मान लो, तीन शब्द है, और कैबिनेट में चार शब्द है, भाई हल्का है, फटाफट भाग के आगे पहुंच गया, 1942 में पहुंच गया, और वो चार वाला है भारी है। तो कैबिनेट तो अपने आप में शब्द ही भारी है, उसको समय लगा आने में, ये याद रखने का तरीका। अब क्रिप्स मिशन आया ना, तो क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, यानी कि सबसे पहला यदि ये देखा जाए क्रिप्स और कैबिनेट मिशन में पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन का पहला जो है ये कह सकते हो कि विधिवत तरीके से संविधान सभा के निर्माण की बात की गई तो वो क्रिप्स मिशन में की गई, ठीक है, इसे स्वीकृति मिलेगी कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन भी इस बात को रखेगा, वहीं से स्वीकृति मिलेगी, वो योजना पूरी बताएगा आगे। लेकिन इसे ठुकरा दिया गया, एक तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, पूरी तरीके से ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर अलग देश की बात को ठुकरा दिया था। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर हमारा एक देश अलग हो, हमारे नियम अलग हो, सब कुछ, तो इस बात को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने भी मना कर दिया, क्योंकि इसमें कांग्रेस को ये लगा कि अभी इसने ठुकराया लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की हो सकती है, इसमें संभावनाएं लग रही है, तो उन्होंने भी ठुकरा दिया। भाई गांधी जी ने तो इसके बारे में ये कह दिया था कि ये जो है एक पोस्ट डेटेड चेक है, और जवाहरलाल नेहरू ने इसके इस लाइन के आगे जोड़ दिया कि देवालिया बैंक के नाम, क्या जोड़ा, देवालिया बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। और ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है नेहरू जी के मित्र भी थे, तो इन्होंने कहा कि मेरा मित्र जो है वो शैतान का वकील बन के आया है। क्या कहा कि मेरा मित्र शैतान का वकील बनकर आया है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है क्रिप्स मिशन की। अब आते हैं अपन कैबिनेट मिशन पे, चलिए अब एक एक चीज समझना है यहां से, मैं आपको संविधान निर्माण, पूरा संविधान निर्माण आज समझा दूंगा, आपके दिमाग में बैठा कर जाऊंगा इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। अब देखो कैबिनेट मिशन जो आता है उसमें सदस्य संख्या होती है साथियों तीन, तीन सदस्य संख्या है, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 1946 की बात है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना कि सदस्य संख्या है तीन और इसकी ट्रिक है पास, यानी कि इसमें संविधान सभा की बात पास हो गई, ठीक है पास, तो यहां पे पी से आ जाएगा आपके पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ए से आएगा साथियों एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर,
और यहां से आ जाएगा स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये तीन सदस्य एक दल जो है इन्होंने संविधान, इन्होंने बताया विधिवत तरीके से कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, होगा और इस तरीके से होगा, और इसको आगे संविधान बनाने के नियम वगैरह जो इस तरीके से होंगे, ये मतलब बताई गई सामान्य चीजें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की योजना बनाई पूरी। अब बात आती है संविधान सभा पे, तो क्या संविधान सभा बनाएंगे तो संविधान सभा के क्या कैसे होगा, सदस्य कितने होंगे, क्या कैसे, मतलब इतना बड़ा देश है कैसे इसको व्यवस्थित किया जाए। तो संविधान सभा क्या है, ध्यान देना कि नंबर एक प्रांतीय विधानमंडल या विधानसभा, प्रांतीय विधानमंडल या विधानसभा और देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उन दोनों को मिलाकर 389 सीटें डिसाइड की गई। कितनी, 389 सीटें होगी, जिसमें देशी रियासतों के जो थे प्रतिनिधि वो तो होंगे मनोनीत, वो क्या होंगे मनोनीत, और प्रांतीय विधानसभा के जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव होगा, वो निर्वाचित होंगे। तो इनकी सीटें निर्धारित की गई 296 और देशी रियासतों की निर्धारित की गई 93, ठीक है, 296 और 93, और इस तरीके से 389 कुल सीटें। जब जहां पढ़ा रहा हूं उसी स्लाइड पे ध्यान देना तो समझोगे, ऊपर पहले चले गए तो फिर लफड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये ध्यान देना, अब वापस समझ लेना, संविधान सभा क्या है, प्रांतीय विधानमंडल प्लस देशी रियासत है। प्रांतीय विधानमंडल में 296 सदस्य है और यहां पे 93 सदस्य है, ये मनोनीत है, ये निर्वाचित, इनके लिए चुनाव होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन यही चीज अब ऊपर ले जाते हैं अपन, ठीक है। देखो प्रांतीय विधानमंडल के प्रतिनिधि जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष क्या है अपन वोट देने जाते हैं वो प्रत्यक्ष है, वयस्क मताधिकार वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है यानी कि 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है। और इनके चुनाव भी वर्गीय आधार पर हुए थे, सामुदायिक आधार पर, कि समुदायों के अनुसार बांटी गई सीटें, फिर वहां से वो चुन के प्रतिनिधि आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक सदस्य 10 लाख जनता पर है, एक एक चीज प्रश्न बनने लायक है, समझ लो तो बेटा पार है, नहीं तो प्रयास बारंबार है, ठीक। चलिए फिर देखो ये 296 सीटें, अब इसको वर्गीकृत करते हैं अपन, 296 में से 292 अलग है और 4 अलग है। 292 जो है साथियों वो आपके ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की है, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी यानी कि ये समझ लो कि सेंटर के अधीन है, सीधी सीधी केंद्र शासित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 292 तो है ये, और यहाँ पे ये है। तो इसकी जो ट्रिक है साथियों 4 की, वो है ABCD की है, ABCD। तो ए से तो आएगा साथियों आपके अजमेर मेरवाड़ा वाला अजमेर, ठीक है। बी से आएगा साथियों बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। सी से आएगा आपके कूर्ग कर्नाटक वाला, और डी से आएगा दिल्ली, दिल वालों की, ठीक है ना। तो ये चीज है ABCD, ये ध्यान रखना है। यहां तक मैं समझता हूं समझ में आ गया। अपन ने शुरू किया है हेनरी मैन से लगा के, फिर आए अपन मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को मैनी दी, मैनी देने के बाद में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बाद में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, यहां पहुंच गए हैं अपन। अब अपन चुनाव करवाएंगे इनके, ठीक है ना। एक एक चीज आपको ये लगेगा कि जैसे संविधान का निर्माण आप ही कर रहे हो। अब देखो 1946 का संविधान सभा का जो चुनाव था उसमें चुनाव जो था वो समुदाय यानी कि वर्गीय आधार पर हुआ। सीटें देखो बांट दी पहले तो अपन ने प्रांतीय विधानमंडल की और देशी रियासतों की। अब जो प्रांतीय विधानमंडल है ना उनका ही चुनाव होना है, ये ध्यान रखना। देशी रियासतें जो है उनसे तो मनोनीत है सदस्य, तो एक एक चीज यानी कई लोगों के क्लियर नहीं होती, समस्या होती है फिर वहां। तो समुदाय के आधार पर सीटों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया वापस, ठीक है ना। अब जो सीटें थी उनका समुदाय के आधार पर वर्गीकरण और किया गया। तो एक तो हो गया सामान्य, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा वर्गीकरण था सिख। तो सामान्य की जो सीटें थी साथियों वो बांटी गई 213, यहाँ पे निर्धारित की गई 79 और इनकी थी 4, ठीक है ना। सामान्य के अंदर 213 थी, 79 थी और 4 थी। इन सीटों पर चुनाव होना है, चुनाव हुआ नहीं है। यहाँ अगला देखोगे ये रिजल्ट है, यहाँ पे ये सीटें हैं, इन पे चुनाव होना है, ठीक है ना, इन पे चुनाव होगा। अब आ जाते हैं अपन, चुनाव हो गया, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो चुका है। अब आते हैं अपन सीधे परिणाम पे, पेटियां खोलते हैं, ठीक है। पेटियां खुली तो भाई साहब कांग्रेस के खाते में गई 208 सीटें। 208 कैसे गई थी, 199 प्लस 9। अब ये क्या है, 199 पे तो कांग्रेस के सीधे प्रतिनिधि कांग्रेस से डायरेक्ट खड़े थे,
नौ पे जो थे कांग्रेस समर्थित थे, ठीक है ना, कांग्रेस को समर्थन देने वाले कांग्रेस समर्थित थे, तो वो जुड़े। इस तरीके से 208 सीटें प्राप्त हुई कांग्रेस को। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो ना? आजकल भैया रेल में घड़ा हाल है, समझ रहे हो ना? तो ठीक है, 199 प्लस 9 208। मुस्लिम लीग को सीटें मिली 73, 73 यानी कि 25% से भी कम। और यहां पे मुस्लिम लीग बहुत ही बौखला गई, और मुस्लिम लीग की बौखलाहट का परिणाम था 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में, मतलब ये कह सकते हो कि आप बिल्कुल विधिवत तरीके से दंगे करवाए गए, ठीक है ना? तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में इसका परिणाम था। निर्दलीय जो थी साथियों सीटें 8 थी और अन्य के अंदर 7 थी, ठीक है। इस तरीके से आपके ये चुनाव के परिणाम निकल के सामने आए, समझ में आ रही है? अब देखो राजस्थान से साथियों प्रतिनिधि पूछ लिए जाते हैं, मैंने बहुत सारी किताबें देखी, किसी के अंदर 12 प्रतिनिधि बताए हैं, किसी के अंदर 15 प्रतिनिधि बताए हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान देना आप, मैंने मतलब ऑथेंटिक किताबें भी देखी है, कोई 12 बताते हैं कोई 15 बताते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा माननीय साथियों अगर माना जाएगा तो 12 माना जाएगा, ये भी मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। महिलाएं जो थी भाग लेने वाली वो 15 थी, लेकिन जब संविधान के जो प्रारूप बना था ना उस पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या 8 ही थी। अब ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्यों महिलाएं सीधी पूछ लेते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं या ज्यादा जिन्होंने भोग नहीं दिया है उन्हें कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो 15 8 कंफ्यूज रहते हो। 15 तो थी संविधान सभा में शामिल, 8 थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। बस अपने सीधा सीधा ध्यान रखना है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। चलिए अब देखो नवंबर 1946 के अंदर साथियों संविधान सभा का गठन कर दिया गया, चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में गठन होगा, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। गठन होने के बाद में क्या होती है, बैठक होती है, क्या होती है, बैठक में मीटिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहली मीटिंग यानी सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर, और बस 2 दिन छोड़ के 11 दिसंबर। भाई ज्यादा अपर लोड लेना नहीं है, विषम विषम संख्या हम चाल रहे हैं, अपा की करना याद करना बस। 9 दिसंबर 1946, अब बताया आपको 25% से कम ही मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए थे, है ना। तो वहां पे उनकी देखो हालत खराब हुई थी, तो मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, शामिल नहीं हुए मुस्लिम लीग वाले, शामिल नहीं हुए यानी कि कांग्रेस शामिल हुई थी सिर्फ, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए, मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया प्रथम बैठक के अंदर। यहाँ पे एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये बहुत पूछते हैं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई साथियों 11 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई, यहाँ स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया बी एन राव को, ठीक है ना, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, और मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया। तो क्या किया कि यहाँ से 3 सदस्यों को बाहर निकालकर और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था, ऐसा था। बहुत गहरा प्रश्न हो जाएगा इसलिए नहीं, मैं नाम भी बता दूं आपको यहाँ, लेकिन आपके हिसाब से बहुत गहरा हो जाएगा, तो फिर मैं ये चीज यहीं पे, इतना आप ध्यान रख लो कि स्थायी अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद को और संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को यहाँ पे बनाया गया, मुस्लिम लीग ने हिस्सा ले लिया था। यहाँ मुस्लिम लीग की नीति ये थी कि संविधान सभा का हिस्सा बनते हुए ही, अंदर रहते हुए ही हम एक अलग देश की मांग को बढ़ाएंगे आगे, ठीक है, ये नीति थी। उद्देश्य प्रस्ताव, अब अगला जो अपना पॉइंट है वो उद्देश्य प्रस्ताव है, इनकी डेट बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना। उद्देश्य प्रस्ताव जो है साथियों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया, 13 दिसंबर 1946, देखो 9 11 13 मैंने बताया आपको विषम संख्या में चल रहे हैं, लोड नहीं लेना है, 9 11 13 ठीक है। ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, जो पारित कब हुआ है 22 जनवरी 1947, इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ है, लाया कब गया है, पारित कब हुआ है, दोनों अलग अलग पूछते हैं, बैठा ध्यान दे दी जो रहे। और इन बाद में ते खोटा करा ना होना, इतो में प्रयास थान वास्ते कर दियो है बी के बाद भी आवेला प्रश्न, ठीक है, प्रश्न 100% आवेला, थे खोटा कर आया हो ना तो बस खैर नहीं है। देखो सारे प्रयास सब बता दिया आपको, बार बार बताता हूँ भैया ये किया जा रहा है, और लेकिन उसके बाद भी अगर थे ऊंदा ऊंदा रोएगा तो बस हालत खराब कर दू, ठीक है। प्रथम प्रारूप देखो साथियों, सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में लेना है, ध्यान रख लेना, और जो समर्पित है ना उन्हीं को कह रहा हूँ स्पेशली, जो टाइम पास कर रहे हैं उनको मैं नहीं कहता हूँ, उनको मैं टारगेट करता भी नहीं हूँ,
जो समर्पित है, बहुत भोग दिया है आप लोगों ने और आपके परिवार ने भी भोग दिया है, सिर्फ आपने अकेलों ने नहीं दिया है। अब वो समय आ गया है कि आ जाओ अब मैदान में वापस, समय आ गया है कि अब आपको लग जाना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि काफी सारे विद्यार्थी लग के ऐसे प्रयास करें तो आने वाले समय में हम एक क्रांति लाएंगे निश्चित रूप से कम क्लासेस जो है हर विद्यार्थी तक, शिक्षा हर विद्यार्थी तक पहुंचे, ठीक है ना। आर्थिक कमजोरी की वजह से कोई भी वंचित न रहे। फिर देखो ये प्रथम प्रारूप, संविधान का प्रथम प्रारूप जो है साथियों बी एन राव द्वारा तैयार किया गया, समझना इस बात को। प्रथम प्रारूप बी एन राव द्वारा तैयार किया गया है, इसके अंदर प्रथम प्रारूप के अंदर 243 अनुच्छेद थे। भाई साहब जो अगर गहरा प्रश्न बन गया ना, आनंद आ जाएगा, वास्तव में आनंद आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको वनलाइनर में यूं यूं दे रखी है, जो जिनके पास में है ना वो ये क्लास देखते समय वनलाइनर पास में रख के बने पढ़े, उन्हें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही दी गई है। आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब आ जाते हैं साथियों अपन प्रारूप समिति पे। भाई बी एन राव ने पहला प्रारूप दे दिया, इसमें से 243 अनुच्छेद थे। अब जो पहला प्रारूप दिया है ना उसके ऊपर मंथन होगा कि इसमें क्या है, संशोधन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस सब के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब थे सीधा सीधा तो खूब रटिया है, प्रारूप समिति का गठन भीमराव अम्बेडकर सब रटे हैं, लेकिन क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है, मैं क्रमबद्धता से आगे बढ़ रहा हूं देख लेना। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 और ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो बार मोस्ट लगा देना। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, अध्यक्ष बनाया गया इसका बी आर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। अब देखो साथियों इसमें सदस्य संख्या जो थी प्रारूप समिति में वो 7 थे, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 7 थे। तो बी एन राव द्वारा तैयार प्रारूप समिति की जांच हेतु ये बनाया गया था, इन्होंने जांच करके फिर इसमें और अनुच्छेद जोड़ के कुछ अनुसूचियां कम करके इस तरीके से फाइनल प्रारूप दे दिया था कि ये फाइनल है, ठीक है ना। इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है क्योंकि लास्ट जो फाइनल प्रारूप तैयार करके दिया था वो अंबेडकर जी और इनकी समिति ने दिया था, ठीक है। तो देखो 7 सदस्य कौन कौन से थे वो ध्यान रखना, पूछ लेते हैं, मिलान वाले प्रश्न आ जाते हैं कई बार। एक तो अपने भीमराव अंबेडकर ही थे, फिर दे गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादिया कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम लीग से थे, डीपी खेतान, और डीपी खेतान की साथियों मृत्यु के बाद में टी कृष्णमाचारी को बनाया गया और बी एल मित्तर के त्याग पत्र के बाद में एन माधवराव को बनाया गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए दो दो नाम लिखे हैं क्योंकि इनके बदले में चेंज हुए। अब देखो सही बात बताऊं ना, इनको याद करने हो ना, मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने मतलब बहुत सारी ट्रिक बनाई थी, मुझे याद भी हो जाती थी और उसकी वजह से मेरी पकड़ बहुत अच्छी होती थी इन सब चीजों पे, वही मुझे अभी याद आ रही है। उसकी ट्रिक थी मैंने बनाई थी भीगो कृष्ण कमो कमा, भीगो कृष्ण कमो कमा, यदि आप देखो के साथियों, देखो बी गो कृष्ण क मो क मा, इस तरीके से बनाई और प्रश्न कभी गलत हुआ ही नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूं क्योंकि किसी को याद डायरेक्ट हो जाते डायरेक्ट कर लो, और जिन्हें याद लिखना है तो वो लिख सकते हो भीगो कृष्ण कमो कमा, ठीक है, भीगो कृष्ण कमो कमा प्रारूप समिति के सदस्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को पेश की। बहुत कम किताबों में ये चीज दी जाती है कि ये रिपोर्ट पेश कब हुई है, ठीक है। तो रिपोर्ट जो पेश की गई ना वो डेट ये है, आने वाले समय में प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत है। 21 फरवरी 1948 को ये रिपोर्ट पेश की गई, इसके अंदर 315 अनुच्छेद थे, 243 तो प्रारूप समिति वाले अभी अपन देख के आए। ये बी एन राव का जो प्रारूप था उसके अंदर यहाँ पे देखा अपन ने, देखो 243 अनुच्छेद थे, इनके अंदर बाद में संशोधित करके और पूरी जांच करने के बाद 315 अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए, समझ रहे हो। इनके प्रारूप के 3 वाचन हुए, यानी कि ये प्रारूप इन्होंने पेश कर दिया, इस प्रारूप की जो प्रतियां थी तो वो ये भी 3 भागों में था, ठीक है। इस प्रारूप की जो प्रतियां थी वो संविधान सभा के सभी सदस्यों में वितरित कर दी गई और फिर कहा कि भाई पढ़ो भाई, अब प्रूफ रीडिंग का समय है तो पढ़ो, और कोई गलतियां निकलती है तो करते हैं। तो इनके 3 वाचन हुए,
जिसमें से प्रथम वाचन जो है साथियों वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में हुआ है, द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ है, और तीसरा वाचन जो है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को हुआ है, और 26 नवंबर को ही इस संविधान को संविधान सभा द्वारा यानी कि भारत की जनता द्वारा अंगीकार कर लिया गया। अंगीकार समझते हो, एडॉप्ट कर लिया गया, लागू नहीं हुआ है, एडॉप्ट किया गया। प्रश्न की भाषाएं ऐसे ही बदलती है, इसलिए मैं कहता हूं टेस्ट अभ्यास जो करते हो ना तो वहां पे एक एक चीज को ध्यान रखा करो, नहीं तो फिर बैल बुद्धि हूं तो सिर्फ भिडोला, ठीक है, समझोगे नहीं उस चीज को, तो वहां पे एक एक चीज की शब्द क्या है, नहीं तो क्या गुरु जी मैं तो वही पढ़ी है, फोटो दिया है, अरे यू को नरे डोपा थोड़ा पढ़ने में कहीं है, सावचेती रखो। प्रथम वाचन 4 नवंबर से, ये ठीक है, चलिए इसमें सिर्फ वाचन हुआ, इसके अंदर खंड और धाराओं पे विचार हुआ, और यहाँ पे बाद में अंगीकृत इसे कर लिया गया फाइनल प्रूफ रीडिंग के बाद, समझ रहे हो। चलिए ये हो गए तीन वाचन, ठीक है। इसके बाद साथियों 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकार कर लिया गया। अब ये प्रत्यक्ष प्रश्न आता है, संविधान सभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया है, आत्मार्पित, ठीक है, क्यों, क्योंकि संविधान सभा किसका प्रतिनिधि, किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, संविधान सभा, संविधान सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, मैंने ऑनलाइन के अंदर आपको जनता भारत की जनता द्वारा स्वीकार लिया है लिखकर, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सही है, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ही स्वीकार कर रही है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व संविधान सभा किसका कर रही है, भारत की जनता का, समझ रहे हो। चलिए अंगीकार कर लिया, 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए, यहां पे जब इसे अंगीकार किया तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रश्न बनते हैं, जिसमें से साथियों हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं थी 8, अब सदस्य तो थी 15, अपन ने पढ़ा हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं थी 8। इस संविधान सभा के ये जो प्रारूप प्रस्तुत हुआ है, इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस चली है, कितने 114 दिन, और 11+1 यानी कि 12 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन के बाद तो 26 नवंबर को ये कर लिया गया अपने, क्या कहते हैं कि इसे अंगीकार कर लिया गया, और 12वां अधिवेशन जो है साथियों वो 24 जनवरी 1950 को जो 12वीं बैठक हुई है वो यहां पे हुई है। तो इसमें क्या किया गया, संविधान सभा को कर दिया गया भंग, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान को लागू ही कर दिया गया। तो संविधान सभा का काम क्या था, संविधान को बनाना था ना, तो संविधान सभा को बाद में यहां पे कर दिया गया भंग, और अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 है, यहां पे कर दिया भंग। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया इसी दिन, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, और इसी के रूप में हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। संविधान निर्माण के समय साथियों जो समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, खर्च हुआ है 63,94,729 रुपए, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए, 63,96,729 रुपए का खर्च आया है, ठीक है ना। प्रथम वक्ता जो थे साथियों इसके सर्वपल्ली राधा कृष्णन माने जाते हैं। जब संविधान बना उस समय इसमें 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में अनुसूचिया हो गई है 12 भाग उतने के उतने, अनुच्छेद उतने के उतने। अब कुछ किताब वाले या कुछ शिक्षक ये कह देते हैं कि अब इतने हो गए 442 हो गए अनुच्छेद, वो नहीं है, वो अनुच्छेद तो वो के वही है, उनके अंदर वो भाग जुड़े हैं, वो अलग अलग जितने संशोधन होते हैं ना वो भाग जुड़े हैं, अनुच्छेद वो के वो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इनके अनुच्छेद के अंदर जो है चीजें जुड़ी है वो सारी, ठीक है ना, अनुच्छेद के अंदर वो सारे उप अनुच्छेद जुड़े हैं, वो सारे भाग भी 22 है, अनुसूचियां हो गई 12 और अनुच्छेद वो के वो रहे हैं, समझ रहे हो। देखो हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान बना दिया है यहाँ पे, है ना, और आपको लगा होगा कि वास्तव में हम संविधान सभा के पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। देखो संविधान पर साथियों प्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी, और संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए राजेंद्र प्रसाद, जिसे बिहार का गांधी, भारत का आजाद शत्रु आदि नामों से जाना जाता है। संविधान की तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले सीमांत गांधी नाम से जाना जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था, बहुत हाइट बहुत थी इनकी। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद तो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए,
ठीक है ना। और अन्य जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं। एक ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 393 जो है उसके अंदर भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया, ठीक है ना। तो ये 393 के अंदर दिया है, 394 में उसे लागू करने मतलब संविधान के जो नियम है वो लागू हो जाएंगे उसका प्रावधान है। संविधान सभा के प्रमुख कार्यों के अंदर साथियों संविधान का निर्माण, आम कानूनों का क्रियान्वयन, राष्ट्रमंडल में के अंदर भारत की सदस्यता का सत्यापन, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना जो 12 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई थी, ठीक है ना। 3:2 इसका अनुपात होता है साइज का। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया है। तो ये इस तरीके से साथियों अपने संविधान के निर्माण को पूरा पढ़ लिया है और कल अपन संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास हितकर है नहीं है बता देना कमेंट करके, और मेरे हिसाब से आपकी एक एक चीज क्लियर हुई होगी, और नहीं भी हुई है तो एक बार वापस देख लेना हो जाएगी, क्योंकि इससे बढ़िया समझाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, इससे अच्छा एफर्ट मैं नहीं दे सकता। मेरा जितना था वो 100% दे दिया है, और हर क्लास में मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। दिनों दिन चाहता हूँ कि मैं अपने आप में सुधार करूं ताकि विद्यार्थियों के लिए अपने आप सुधार हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखो मानवीय भूलें हो सकती है, हो सकता है मेरे भी अभी सीखने का दौर है ये समझ लीजिए। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं जब तक जीऊंगा अंतिम सांस तक मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहूंगा और सीखता रहूंगा। तो यही है साथियों प्रयास कर रहे हैं, बाकी कैसा है क्या नहीं है, जितने प्रयास जिस तरीके से किए जाते हैं वो सभी आप लोगों तक मैंने पहुंचाए हैं। समय समय पर हमारी टेक्निकल टीम वगैरह जो भी टीम के सदस्य हैं आपके टेलीग्राम पे और सभी जरियों से आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। कितना हितकर होगा वो अब आपके एफर्ट पे भी है कि आपका समर्पण कितना है। और याद रखना कि तानों को ताकत बनानी है, देने दो ताने, कितने देंगे, मोतीलाल नेहरू जी के जैसे बनो, दे ताने भैया, ये ले पकड़ रिपोर्ट, हमको कहता है हम संविधान नहीं बना सकते, ये ले, बस ये वाली अपने अंदर वो बस फीलिंग पैदा करो, मतलब वो जज्बा पैदा करो, वो जुनून पैदा करो, वो जिद पैदा करो, तब जाकर ये जो सफलता है वो जख मार के आएगी कि ये भैया तेरू मैं हार गया रे भाई, ये फीलिंग लाओ अपने अंदर। मैं तो यही चाहता हूँ साथियों कि मेरे जितने स्टूडेंट है सभी सिलेक्ट हो, लेकिन सभी सिलेक्ट हो नहीं पाएंगे क्योंकि सीटें जितनी होगी उतने ही होते हैं, लेकिन जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर जिद है, जिसके अंदर जुनून है, उसे कोई पीछे नहीं रख सकता, डंके की चोट पे उसका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता उसे, ये बात मैं 100% दावे के साथ में कह सकता हूं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।